अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, मैं कुछ अरसे के लिए बीच में से गैप हो गया था, जिस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अभी मैं दोबारा से वापस आ गया हूँ, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई इशू वगैरह शेयर करता रहूँ। तो आज मेरे पास ये स्कैनर आया है, फिजिस्टो SP1425। तो इस स्कैनर का प्रॉब्लम जो आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये डिस्प्ले पे आ रहा है, इस पर ये लाइन आ रही है एक, इस ये इसका इशू है। दूसरा, फ्लैट बेल्ट पे बिल्कुल क्लियर स्कैन करता है, लेकिन ये ADF पे जब स्कैन करते हैं तो उसमें ये लाइन इसमें आना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोग इस लाइन अगर आपके स्कैनर में आ रही हो ADF की तरफ से, या इस तरह का इशू आ रहा हो, तो आप लोग कैसे इसको क्लियर करेंगे या कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ तहे दिल से, क्योंकि आपने मेरे चैनल्स को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को पसंद किया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहे हैं। तो आइए चले देखते हैं ADF का जो इशू होता है। इसका ये इशू नॉर्मल से ही होता है, जिस वजह से इसमें ये एरर आता है। इसका ये जो नीचे इसका स्कैनिंग यूनिट लगा होता है, स्कैनिंग यूनिट को आप सही तरीके से अगर जब क्लीन करेंगे तो इसकी ये बिल्कुल लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे किया जाता है इसको। ये नीचे भी इसका मिरर लगा होता है लाइट का, उसको भी सही तरीके से साफ करना है। नीचे वाला भी स्कैनर, ये मिरर लगा होता है, इसको भी सही तरीके से आपने साफ करना है। ये अब बिल्कुल क्लियर है, लाइन शाइन इसमें अब नहीं आ रही। जो पहले वाला स्टेटस था वो मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये इस पर लाइन आ रही थी। इस लाइन की वजह से जो स्कैनिंग का कोई वाइट पेज भी करते तो हमें वो इशू होता था, लाइन इसमें आना शुरू हो जाती थी, जिस वजह से इसका जो इशू था, जो प्रॉब्लम थी, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। इसमें आप लोगों को एक और चीज़ बताते चलूँ, सबसे मेन चीज़ है, अगर मीन वाइल आप पेज यहाँ पे लगा रहे हैं कि आपके पेज स्किप करता है या पेज उठा नहीं रहा, स्कैनर ADF पेपर ले नहीं रहा, तो उसका क्या होता है कि ये ऊपर रोलर लगा हुआ है और ये नीचे सप्रेशन पैड है एक, इस वजह से अक्सर ये होता है कि ये सप्रेशन पैड आगे से घिस चुका होता है, तो ये रोलर जो है रोलर के ऊपर से स्लिप हो चुका होता है, जिस वजह से ये पेज को पिक करने में इशू करता है। इन रोलर को अगर आप पहले तो ये है, अगर ये रोलर गंदा हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको उतार के इसको धो लें भी शख्स, सर्फ के साथ, साबुन के साथ, किसी चीज़ के साथ भी, तो साफ करके दोबारा से लगाएं, तो ये इशू इंशाल्लाह ताला जो इशू है रिजॉल्व हो जाएगा। अगर मीनवाइल ये बहुत ज़्यादा ऊपर से घिसा हुआ है, तो प्लेन हुआ हुआ है, तो उस वजह से ये होगा कि ये आपको रोलर रिप्लेस करना पड़ेगा। एक तो ये इशू हो गया पेज ना लेने का, और दूसरा सबसे मेन चीज़ ये है कि इस प्रिंटर में जो भी चीज़ है वो इसके स्कैनर जो इसके लगे होते हैं सेंसर, उनके बिहाफ पे चल रहा होता है। दूसरा ये है कि नीचे इसका स्कैनिंग यूनिट ये भी लगा हुआ है, जो नीचे फ्लैट बेल्ट को भी स्कैन करता है। तो ये स्कैनर फ्लैट बेल्ट वाली स्कैनिंग बिल्कुल ओके आ रही है इसकी, जस्ट इसमें इस स्कैनर में
इशू आ रहा था कि लाइन एक दे रहा था। और उसके बाद पेपर के रोलर आप ये देखें, ये भी रोलर सपोर्टेड लगे हुए हैं, ये नीचे भी लगे हुए हैं, ये एग्जिट रोलर भी लगे हुए हैं। तो ये रोलर भी अगर प्लेन हो जाएं या घिस जाएं, इनकी वजह से पेपर ऊपर से तो ले लेगा लेकिन नीचे से आउट करने में ये स्लिप करेगा या स्लो मूव करेगा, जिस वजह से ये स्कैनर एरर पे आ जाएगा, स्कैनर आपका कंप्लीट स्कैनिंग नहीं कर पाएगा। और ये थी सबसे मेन चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की। और इसका फर्मेटर बोर्ड जो है इसके इसके बीच में ही लगा हुआ है, बिल्टन है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है। किसी किस्म का कोई भी स्कैनर हो तो उस स्कैनर का ये है कि उसके या फीडिंग में इशू होता है कि पेपर स्किप कर जाता है, पेपर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो एरर पे आ जाता है, या फिर उसके स्कैनिंग यूनिट में ये प्रॉब्लम आती है। वैसे तो देखा जाए तो ये स्कैनिंग यूनिट इतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है, अगर हो जाए तो फिर उसको रिप्लेस करना मस्ट हो जाता है। अगर ये छोटा मोटा कोई इशू दे रहा हो या किसी तरह का। अच्छा, दूसरा ये मैं आपको बताते चलूँ कि कई स्कैनर इस तरह होते हैं, स्कैनिंग के दौरान लाइनिंग देते हैं, डिफरेंट काफ़ी सारी लाइनिंग देते हैं। उसका क्या होता है कि इसके जो स्कैनर के साथ डाटा केबल लगी होती है, और डाटा केबल का भी समटाइम इशू होता है, जिस वजह से वो लाइनिंग देना शुरू कर देता है। और ये थी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना शेयर करने का, ये था कि इस तरह के छोटे छोटे इशू आए आप लोग खुद अपने घर में बैठ के खुद इजीली कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। और मैं आप लोगों का नहायत मशहूर हूँ कि मेरे चैनल को आपने सपोर्ट किया, मेरे चैनल के व्यूवर्स आपने बढ़ाए और मेरी वीडियोस को शेयर किया अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल्स को लाइक भी किया और मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं। और मैं बहुत ही इस लिहाज से कि मैं कई मेरे कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पा रहा, इसके लिए मैं बहुत बाज़ुर हुआ हूँ। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मेरे अतुलसा ये कोशिश होगी आप लोगों को इसका मैं जवाब दे सकूँ। तो इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।